गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको कराया था। दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ सैलरी। ये था हमारा सैलरी का कंप्यूटेशन, राइट, एज पर न्यू टैक्स रिजाइन। न्यू टैक्स रिजाइन में काफी सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है, राइट। तो बेसिक वॉज फुल्ली टैक्सेबल, बोनस कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, अलाउंसेस में देर आर सम अलाउंसेस जिसमें एग्जेम्पशन मिलता है, बट एज पर न्यू टैक्स रिजाइन उसमें भी एग्जेम्पशन नहीं है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, इन तीनों एग्जेम्पशन है बट नए टैक्स रिजाइन में नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में पहले हुआ करता था नॉर्मल केस में 1600 पर मंथ और हैंडीकैप में 3200। तो अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम हो चाहे न्यू टैक्स रिजाइम हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 3200 इन केस ऑफ हैंडीकैप एग्जेम्प्टेड है। बाकी सारे अलाउंसेस टैक्सेबल है। कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल पर्पज के लिए होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग कन्वेंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, तो ये सारे अलाउंस विल बी एग्जेम्प्टेड अप टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, पॉइंट नंबर जी। तो ये ओल्ड हो चाहे न्यू हो, दोनों में सेम ट्रीटमेंट है। द वन विच इज येलो कलर्ड, उसी में वही खाली डिफरेंट है और एस्ट्रिक मार्क भी दिया हुआ है, येलो विथ एस्ट्रिक। परक्यूजिट्स टैक्सेबल होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, राइट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय लोग को देगा, तो जो लाइसेंस फी होता है फेयर रेंट, दैट इज टैक्सेबल। अदर एम्प्लॉय होगा तो ओन्ड है कि रेंटेड है देखना पड़ेगा। ओन्ड है तो सैलरी पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से 15%, 10%, 7.5%। और रेंटेड है तो 15% और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। जो भी परक्यूसिट वैल्यू आएगा उसमें हम लोग फर्नीचर वाला फर्निश्ड एकोमोडेशन का परक्यूसिट वैल्यू ऐड करेंगे, फिर उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर फ्री में दे रहा है तो पूरा टैक्सेबल, लेकिन जितना पोर्शन एम्प्लॉय रीइंबर्स कर रहा है वो पोर्शन तो एम्प्लॉय का इनकम नहीं हुआ ना। सपोज मैंने आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की और बदले में आपसे पैसे ले लिए, तो किस बात का परक्यूसिट, राइट। तो सारे परक्यूसिट में ये कॉमन फंडा याद रखना, राइट, इसमें पूरा कैलकुलेशन है। अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारे परक्यूजिट्स हैं। प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर देता है वो हमारे लिए परक्यूजिट है, मेरा खर्चा मालिक दे रहा है मतलब परक्यूजिट हो गया मेरे लिए। न्यू टैक्स रिजाइम में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शन मिलेगा। ऊपर टैक्सेबल भी है, नीचे डिडक्शन भी है, प्लस मैं जो अपने पॉकेट से प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करूंगा उसका भी डिडक्शन है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई एम्प्लॉयर परक्यूजिट है। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एम्प्लॉयर इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एनपीएस अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7,50,000, राइट। इंटरेस्ट एंड अबव, खाली जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट है वही वाला टैक्सेबल होगा। मोटर कार वाला, इसका अलग से हम लोग सीखेंगे, परक्यूसिट वैल्यू ऑन यूज ऑफ मोटर कार। अदर परक्यूसिट जो है वो कुछ कुछ परक्यूसिट ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल है, बट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का जो लिमिट है उसमें आज के जो जनरेशन में है सभी लोग कवर्ड हो जाएंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन या लोन एट कंसेशनल रेट, मालिक ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसा है जैसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए मैंने लिया हो या मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से लोन ले लिया, तो वो सब केसेस में परक्यूसिट वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगा, राइट। और लोन अमाउंट मस्ट एक्सीड 20,000। फ्री फूड थ्रू पेड वाउचर 50 रुपए पर मील तक एग्जेम्प्टेड होता है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, इसलिए मैंने एस्ट्रिक मार्क और येलो कलर किया है। वैल्यू ऑफ गिफ्ट, अगर गिफ्ट वाउचर 5,000 के नीचे तो परक्यूसिट नहीं होगा। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, कंप्यूटर अगर यूज करने दिया है तो परक्यूसिट वैल्यू नहीं है। अदर एसेट यूज करने दिया तो उसका मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन के टाइम में बताया, और मोटर कार यूज का अलग से वर्किंग नोट है वो मैं दिखाऊंगा आपको।
ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट अगर बेच दिया तो कैसे परचेसिंग वैल्यू कैलकुलेट होगा ये सीखना है। लीव ट्रैवल कंसेशन में ओल्ड टैक्स में एग्जम्पशन है, बाकी सब ग्रेच्युटी पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं ओल्ड टैक्स में चाहे न्यू टैक्स में एग्जम्पशन दोनों में ही है। तो ये तीन हमने कवर कर लिया था, ये तो जनरली आता नहीं एग्जाम में इसलिए हम लोग अभी लास्ट में करेंगे इसको, राइट। तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी आ गया, खाली इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम में, जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर न्यू टैक्स रिजाइम उसमें ये सारा एग्जेम्पशन दे देंगे, एक दो तीन चार पांच, न्यू टैक्स रिजाइम को ये पांचों का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। इन पांचों का अमाउंट ऊपर लिया हुआ है, वो इस वाले फिगर में है, हमको एग्जेम्पशन दे देना है बस, और अलग से दो स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलेगा, एक एंटरटेनमेंट अलायंस का, लेकिन इसको खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता है, और एक प्रोफेशनल टैक्स का, राइट। तो ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास। पेंशन मंथली पेंशन होगा तो फुली टैक्सेबल है, कम्यूटेड मतलब लमसम, तो उसमें देखना पड़ता है ग्रेच्युटी मिला है कि नहीं मिला, तो फुल कम्यूटेड वैल्यू निकालेंगे। अगर ग्रेच्युटी मिला मतलब वहां पर भी एग्जम्पशन ले रहे हैं तो पेंशन में आपको एग्जम्पशन 1/3 मिलेगा फुल कम्यूटेड वैल्यू का। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा मतलब आपको वहां पर एग्जम्पशन नहीं मिला है तो यहां पे ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगा, इस कॉन्सेप्ट से समझो, राइट। उसका मैंने सम कराया है। उसके बाद ग्रेच्युटी में ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कुछ भी मिलेगा फुली टैक्सेबल, लमसम मिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्टेड, अदर एम्प्लॉय के केसेस में कवर्ड या नॉट कवर्ड। यहां पे महीना 26 दिन का होता है, नॉट कवर्ड में 30 दिन का होता है। इसमें लास्ट ऑन सैलरी लेंगे, इसमें एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स लेंगे, इसमें पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स कंसीडर करना है। नॉट कवर्ड में हम लोग पूरा लेंगे, पार्ट देयर ऑफ इग्नोर कर देंगे। यहां पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस ये, यहां पे कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर भी आ जाएगा। उसका प्रॉब्लम था यहां पे। देन लीव सैलरी अगेन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुली टैक्सेबल, लमसम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्टेड, अदर एम्प्लॉय में चार का लिस्ट 25 लाख मैक्सिमम एग्जेम्प्शन, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, लास्ट 10 मंथ्स का टोटल सैलरी, और जो अनअवेल्ड लीव्ड है मैक्सिमम 30 डेज के बेसिस पे निकाला जाएगा, मैंने बताया था आपको, राइट। चलिए अब हम लोग आज अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है ना, एक है हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। मैं आपको खाली लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिखा देता हूं, इसका एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, जस्ट खाली आप लोग ये सबका लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिख लीजिए तो क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम लिमिट एग्जेम्पशन का है 5 लाख, ठीक है। थ्री मंथ सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक लास्ट ऑन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, कंपनी क्या हिसाब से पैसा देती है ये हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग सरकार एग्जेम्पशन क्या हिसाब से देगी हम लोग उसका बात कर रहे हैं। तो समझ लो कहीं ना कहीं सरकार भी सरकार जिस तरीके से एग्जेम्पशन देती है लोगों को, जब पैसा मिलता है तो वो भी उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे मिलता है, तभी ना सरकार इस बेसिस को अजम्पशन ले रही है। कोई भी कानून बनाने से पहले उसका प्रैक्टिकलिटी समझा जाता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बेसिस पे पैसा देता है, उसी को बेस करके ज्यादा ना लगे मैं एग्जेम्पशन दूंगा। राइट? ठीक है, नेक्स्ट। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, लात मार के निकाल दिया मैंने आपको।
क्वेश्चन में ना 15 डेज एवरेज पे लिखा है, मतलब 15 दिन का सैलरी, इसलिए मैंने वैसे कर दिया इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इज इट ओके? आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विथ ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स पूरा कंप्लीट हो गया। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग करने का हमारे को हैबिट हो चुका है ऑलरेडी, माथा लगाने का दरकार नहीं है, राइट? ये जनरली एग्जाम में आता भी नहीं है। ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सैलरी, राइट? इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, हमको पूरा ये चार्ट को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा हो गया पूरा, अब ऊपर आते हैं। इसका मैंने आपको ऑलरेडी पूरा लिखा दिया है कैसे कर परक्यूसिट वैल्यू कैलकुलेट होगा, जब क्वेश्चन आएगा अपने देख लेंगे, इसमें कुछ समझने का नहीं है। प्रोविडेंट फंड का अलग से मैं आपको एक चार्ट दूंगा। अब अपने आते हैं परक्यूसिट वैल्यू ऑन यूज ऑफ मोटर कार, ठीक है ना? मोटर कार का यूज का परक्यूसिट वैल्यू के बारे में बात करेंगे। हेडिंग दीजिए, परक्यूसिट वैल्यू ऑन यूज ऑफ मोटर कार। ठीक है, एक याद रखना हमेशा, अगर ऑफिशियल यूज होगा नो परक्यूसिट वैल्यू, हमेशा याद रखना।
क्या हुआ? पर्सनल यूज अगर होगा 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर प्लस एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर प्लस अमाउंट पेड टू ड्राइवर. अगर पूरा का पूरा पर्सनल यूज है पूरा का पूरा ऑफिशियल कोई परक्विजिट नहीं है, पूरा का पूरा पर्सनल है 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर प्लस एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर प्लस अमाउंट पेड टू ड्राइवर बाय एम्प्लॉयर. हम लोग बात करेंगे पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल यूज. तब क्या करेंगे हम लोग, पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल होगा तो क्या होगा? राइट अब मैं आपको इसमें ना एक वो कराता हूं, एक तो जस्ट मैं आपको खाली टंग ट्विस्टर खेलता हूं आपके साथ. सपोज करिए मैंने आपको गाड़ी दे दी यूज करने के लिए और पूरा का पूरा पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो टेक्निकली क्या होगा? 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. लेकिन उसमें तेल आप भरा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस ऐड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो आप कर रहे हैं, ड्राइवर को मैं पैसा दे रहा हूं तो वो आएगा, समझ गया ना? जो जो बाई एम्प्लॉयर है वही परक्विजिट में आएगा. सीसी ऑफ इंजन छोटा गाड़ी की बड़ा गाड़ी गाड़ी मालिक का खर्चा भी मालिक कर रहा है, पहले यूज देख लेना पार्टली पार्टली है. है ना? ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि कितना आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, कितना आप ऑफिशियल यूज के लिए कर रहे हैं. दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नो वन कैन फाइंड आउट दिस.
राइट right? 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ, ड्राइवर रहेगा तो 900 पर मंथ करके ऐड हो जाएगा। गाड़ी तेरा लेकिन खर्चा मैं कर रहा हूं तेल का, तो लिमिट कम हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, यहां पे तुम गाड़ी का भी सुविधा दे रहे हो, खर्चा का भी सुविधा दे रहे हो, लेकिन यहां तुम गाड़ी का सुविधा नहीं दिया, सॉरी गाड़ी का सुविधा दिया लेकिन खर्चा का नहीं दिया, तो लिमिट कम हो जाएगा। छह सौ नौ सौ हाँ, नहीं इतना परक्यूसिट वैल्यू। देखो ये पूरा टैक्सेबल है, परक्यूसिट वैल्यू ऑन यूज ऑफ मोटर कार इज फुल्ली टैक्सेबल बेटा। ये परक्यूसिट वैल्यू पूरा का पूरा टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में, मैंने बोला स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में सारे सब लोग ही फॉल कर जाएंगे, तो ये मैं टैक्सेबल वैल्यूज कैलकुलेट करवा रहा हूं आपको। रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या किया, ये सब एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट्स नहीं है, दीज आर व्हाट टैक्सेबल परक्यूजिट्स, एंड उसकी कैलकुलेशन कैसी की जाएगी। आज मान लो मैंने किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा दिया, तुम लोगों से तो पैसा लिया, लेकिन मान लो किसी बच्चे को मैंने फ्री में पढ़ा दिया, तो ये उसकी परक्यूसिट है कि नहीं है, ये रिसीव बेनिफिट इन काइंड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट परक्यूसिट एग्जैक्टली, जो अदर स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं उस सर्विस के लिए, उसके लिए भी वही परक्यूसिट वैल्यू मानी जाएगी। मैंने आपके घर में एक डोमेस्टिक सर्वेंट दे दिया, उसकी सैलरी मैं दे रहा हूं, तो जितने उसकी सैलरी है वही आपके लिए परक्यूसिट है। अगर आप उसकी वैल्यू निकाल पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो सिमिलर सर्विस की वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब टैक्सेबल अमाउंट्स मैं बता रहा हूं आपको, परक्यूजिट में जितने भी कैलकुलेशंस मैंने आपको वो चार्ट में दिया है ना, ऑल दोज आर टैक्सेबल वैल्यूज, दीज आर बेनिफिट्स इन काइंड, राइट। सर अब ऐसा हो सकता है, गाड़ी मेरा है, मालिक खाली खर्चा दे रहा है, तो इसमें बेनिफिट उतना नहीं है, अमाउंट इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 पर मंथ।
इनकर्ड ड्राइवर अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको क्या बोला था कि परक्यूसिव वैल्यू निकालने के बाद जितना पैसा परक्यूसिड वैल्यू निकालने के बाद जितना पैसा हम एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं वो लेस हो जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था? दीज आर फिक्स लिमिट्स, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ये फिक्स लिमिट है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। राइट? लेकिन यहां पे लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय आएगा तो लेस हो जाएगा। एकदम आराम आराम से करना है, हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अगर मैं इसमें जाऊं अभी, एक बार क्या मेरे को सम करवाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, फुल फ्लेजेड सम। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया इधर में हमने, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी वैल्यू हो गया, बाकी मैक्सिमम मालूम है, अलाउंसेस में आ जाते हैं। चलिए, अलाउंसेस में सबसे पहले अलाउंस कैटेगरी कौन सा बताइए जो फुल्ली टैक्सेबल है? न्यू टैक्स सीजन में तो सारे ही फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है ना? लेकिन तीन चार अलाउंसेस ऐसे हैं जिसमें एग्जेम्पशन है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलायंस, हॉस्टल अलायंस और हाउस रेंट अलायंस।
ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं तो लोग बोलेंगे मेरे को डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, अलग अलग अलाउंसेस का नाम है। मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू अदर देन हैंडीकैप, राइट। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, अलग अलग जितना भी अलाउंस है ना, ओवर टाइम अलाउंस, अलग अलग नाम होता है अलाउंसेस का। एक्सेट्रा, नेवर एंडिंग लिस्ट चाहिए। फुल्ली टैक्सेबल अंडर न्यू रिजाइम बट पार्शियली एग्जेम्प्टेड अंडर ओल्ड रिजाइम। कौन कौन से हैं बताइए। HRA, चिल्ड्रन एडुकेशन अलायंस, और बोलो। हॉस्टल अलाउंस, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, इसका अलग से करेंगे हम लोग। ठीक है, पार्शियली एग्जेम्प्टेड अंडर बोथ रिजाइन, आया ना। जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एग्जेम्प्टेड अप टू
एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर, बोलो, ऑफिशियल पर्पस, है ना? ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ये एग्जेम्प्टेड है, जो मिलेगा उसे एग्जेम्प्टेड होगा। 3200 पर मंथ हैंडीकैप्ड, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम, कुछ कुछ अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, जैसे अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जज, ठीक है, अलाउंसेस पेड बाई यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सम्प्टरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर बोथ रिजाइम, दोनों रिजाइम में फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये लोग बाहर गया है कोई काम से, उसके लिए इन लोगों को अलाउंसेस मिला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ऊपर में मैंने एस्ट्रिक मार्क दिया था ना, अगर किसी को याद हो तो, ये वाला एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अगेन लेस क्या, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्शन तभी मिलेगा जब आप रेंटेड भाड़ा, रेंटेड जगह में रह रहे हैं। सपोज मान लीजिए मेरा इसी शहर में अपना घर भी है और मैं जबरदस्ती का भाड़े का फ्लैट में रह रहा हूं,
जस्ट टू क्लेम एग्जेम्पशन। बहुत लोग क्या करते हैं, फॉल्स रेंट रसीद निकलवा लेते हैं। सैलरी वाला लोग बहुत करता है, ये लोग टैक्स बहुत ज्यादा जब बचता है ना। बिजनेसमैन वाला लोग क्या करता है, चोरी चमारी करके पैसा बचा लेता है अपना, सेल कम दिखा देगा, खर्चा ज्यादा दिखा देगा, लेकिन सैलरी वालों का तो डायरेक्ट बैंक में पैसा आता है। तो वो लोग के पास स्कोप बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड है। सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसके बाद है 40/50% ऑफ सैलरी। नॉन मेट्रो तो 40, मेट्रो है तो 50। इन तीनों में जो लीस्ट है वो एग्जेम्प्टेड होगा, बाकी का टैक्सेबल। खुद का घर में अपने आप को भाड़ा कैसे देगा, पगला ऐसा बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, गवर्नमेंट के पास तो तुम जब प्रॉपर्टी खरीदते हो वो इंफॉर्मेशन भी है ना। तुमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी खरीदा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सीखा है ना। तुमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लोन में लेके खरीदा, पिछले 10 साल से तुम 2-2 लाख मैक्सिमम इंटरेस्ट 24B में क्लेम कर रहा है लॉस। उससे तुम अपना सैलरी इनकम सेट ऑफ किया, सेट ऑफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट सेट ऑफ होता है। इनकम फ्रॉम वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, बट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी सोर्स के साथ सेट ऑफ हो सकता है। अब जैसे ही तुम्हारा लोन खत्म, इंटरेस्ट खत्म, तुमको अबाउट डिडक्शन तुम क्लेम नहीं करेगा। अब तुम क्या कर रहे हैं, रेंटेड प्लेस। सरकार के घर में ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन जा चुका है, ये बंदा अपना घर में रह रहा है, इसलिए तो इतना साल से ये इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन क्लेम कर रहा था। अब तुम गवर्नमेंट को क्या बोलोगे, बोलो कि तुम रेंटेड में शिफ्ट हो गए हो, पकड़े जाओगे। जो आदमी इतना दिन तक अपना घर में रह रहा था, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन क्लेम किया है और उसको फिर सैलरी इनकम से सेट ऑफ कराया है, वो बोल रहा है कि अब हम रेंटेड प्लेस में रह रहे हैं। जो लोग शुरू से यही दिखा रहे हैं कि हम लोग भाड़ा का फ्लैट में रह रहे हैं, जैसे कुछ कुछ लिमिट्स है, उस लिमिट के नीचे एग्रीमेंट का दरकार नहीं पड़ता है। 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, 7,000 रुपया महीना भाड़ा है, चल जाएगा। राइट। तो इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहला बात तो ये मालूम है ना, एग्जेम्पशन ओनली अवेलेबल ओल्ड की न्यू। बैठा के रखो। एग्जेम्पशन ओनली अवेलेबल अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम।
नो एग्जेम्पशन इफ लिविंग इन ओन हाउस. सैलरी सेम एज ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड में जो सैलरी का मीनिंग था यहां पर भी वही है. ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड में लीव सैलरी में और एचआरए में सैलरी का मीनिंग सेम है. ठीक है. बेसिक 40,000 पर मंथ. कमीशन 50,000 पर एनम. ये पहला इंफॉर्मेशन. मालिक मोटर कार दे रखा है फॉर पर्सनल यूज. एक्सपेंस मेट बाई एम्प्लॉयर. ठीक है. और आपको एचआरए मिल रहा है 15,000 पर महीना. रेंट पेड बाई एम्प्लॉई फॉर एकोमोडेशन एट कानपुर. कैलकुलेट टैक्सेबल एच आर है. करिए आप लोग. प्लीज सॉल्व इट. पांच मिनट में आ रहा हूं मैं.
अपने को तो खाली टैक्सेबल एचआरए निकालना है इसमें, और टैक्सेबल एचआरए में तो परक्यूजिट लेते नहीं है सैलरी का कैलकुलेशन में। और वैसे भी ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, तो तुम कैसे निकालोगे? फुल परक्यूसिबल तुम निकाल नहीं पाओगे, खाली यही वो इसी के बेसिस पे कर पाओगे। हाँ आइए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 15,000 इंटू 12, 12 मैंने एकोमोडेशन लिया हुआ मेरा, एग्जेम्प्टेड कितना है बोलो? सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 1,80,000। रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी। अच्छा, रेंट पेड कितना है? 1,80,000। तो रेंट पेड है हमारा 1,80,000, नाउ सैलरी में बेसिक प्लस डीए लेंगे, कुछ नहीं बोला तो डीए को फॉर्मिंग पार्ट मानेंगे। कमीशन नहीं लिया जाएगा है ना? परक्यूसिट भी नहीं लेते हैं। तो 46,000 है ना पर मंथ, है ना? पर मंथ कितना है? 46,000 इंटू 12, उसका फिर 10%,
कितना आ रहा है करो, फोर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू ट्वेल्व का 10% कितना है? फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड, वन एट्टी माइनस फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड करो, 1,80,000 माइनस 55,200, और कानपुर है तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे, नॉन मेट्रो सैलरी इज 552, कितना आ रहा है? इन तीनों का लिस्ट क्या है? टैक्सेबल एच आर है, ठीक है। हो गया, बढ़े आगे चलो।
जस्ट खाली एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का तीन बच्चों का मिला है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा बताइए। तीन थर्टी इंटू 12 इंटू 3 कितना आ रहा है बताओ। 4680 लेस एग्जेम्प्टेड 100 इंटू 12 इंटू 2। पहला बात ये 100 है और ये दो बच्चों का है मैक्सिमम, ठीक है ना। कितना हुआ मच 2280। पर चाइल्ड नहीं बोला, खाली इंटू 12 होगा। कितना आएगा? कितना रहा? 90 इंटू 12 इंटू 3 बताओ। अप टू 100 बोला है तो 90 ही होगा, 12 दो बच्चे का। अप टू बोला है
कितना रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसमें ना लिस्ट थोड़ा बड़ा है, जैसे हमने जो आपको कंप्यूटेशन करवाया था, कुछ कुछ होता है जो लोग बॉर्डर एरिया में है, सियाचन में है, उतना तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ छोटा छोटा और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करेगा, कैटेगरी 2, फुली टैक्सेबल न्यू रिजाइन बट पार्शियली एग्जेम्प्टेड अंडर ओल्ड रिजाइन। ठीक है, जैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस, ये ट्राइबल एरिया का अलाउंस होता है, 200 पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होगा। कुछ कुछ मैं करवा दे रहा हूं आपको, हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म। ये सब एक्चुअली जो खर्चा होता है ना, उतना तक होता है। अगर तुमको ज्यादा मिल रहा है, राइट, एक्सेस वाला टैक्सेबल होगा। जनरली ये सब उतना ही मिलता है जितना तुम्हारा खर्चा है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं अप टू 2 लाख। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉई ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। इन लोग का जिंदगी क्या है, रास्ते पे बिताता है ये लोग, गाड़ी चला चला के। तो इनके लिए क्या है, 70% और 10,000 पर मंथ। जो लोअर होगा
दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। ये सब एग्जाम में कुछ कुछ आया हुआ है बोल के मैं आपको अलग से करवाया दिया, बाकी सियाचिन बॉर्डर एरिया वाला उतना याद करने का दरकार नहीं है। तो ट्राइवल अलाउंस होगा तो 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट कंपनी, यू आर एंगेज इन रनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो 70% और 10,000 पर मंथ, 70% ऑफ अलाउंस। ठीक है, क्लियर, बड़े आ गया। तो ये सब आप लोग को पन्ने में बना बना के दीवार में चिपका देना है, मेक इट इन अ शीट ऑफ पेपर, पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड यू हैव टू रिवाइज, राइट। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू सो मच।